पटियाला तो बाद गंडा तंत्र दियां तस्वीरां मोहाली तो भी सामने आई है। मोहाली विच कुछ लोगों वालों फास्टवे नैट प्लस दियां तारां कट्टियां गई, जिसका प्रताप सिंह बाजवा वालों सख्त शब्दों विच विरोध किया गया। पिछले कई दिनों तो लगातार केबल ऑपरेटर से गुंडागर्दी दियां खबरां सामने आ रही ने। पटियाला तो बाद हुण मोहाली च भी गुंडा तंत्र देखण नूं मिलिया है। मोहाली च गुंडियां दे वलों इंटरनेट ब्रॉडबैंड दियां तारां कट के अपनी गुंडागर्दी दिखाई गई है, जिस तों बाद यह विवाद काफी बढ़ गया अते लोकां नूं इस दे नाल काफी मुश्किलां दा सामना करना पिया। इस तों पहला पटियाला च सियासी शह ते लोकां दे घरां दे विचों केबल कट के धक्काशाही करन दा मामला सामने आया सी अते इस दौरान फास्टवे दे मुलाजमां ते हमला भी किया गया सी, जिस विच कई फास्टवे दे मुलाजम जख्मी हो गए सन। एक गुंडागर्दी इत्थे ही नहीं रुकदी, इन्हां गुंडियां ने लोकां दे घरां दे विच दाखल हो के अते फास्टवे ऑपरेटरां दे दफ्तर दे विच वड़ के काफी भन्नतोड़ कीती सी, जिस दे वलों लगातार कई लीडरां दे वलों नखेधी कीती जा रही है अते इस मामले ते प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार नूं भी घेरिया अते कहा कि सरकार केबल ते कब्जा करना चाहुंदी है। ਉਹਨਾਂ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਬਲੀਵ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਬਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। SSPs ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਓ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।